हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर 85। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स एक बार दोबारा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2022 डोमिनार 250। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये माइलेज पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप SS बजाज कृष्णनगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर माइलेज करने से पहले हल्की सी इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मैं बता दूँ, देन हम लोग उसके माइलेज माइलेज टेस्ट का जो है उसको शुरू करेंगे। सामने में आप लोगों को यहाँ पर LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप देखने को मिलता है। 100x80 सेक्शन के टायर है, वे 17 इंच ऑफ अलॉय व्हील, दोनों टायर में ही आप लोगों को यहाँ पर ABS देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर इंजन की बात की जाए, 248.7 cc DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन है और यहाँ पर आपको DOHC देखने को मिल रही है, साथ ही फ्यूल इंजेक्टेड तो यह है ही। और अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो 27 PS की मैक्स पावर आप लोगों को मिल रही है, 23.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताऊँ, 800 या 810 cm तक यहाँ पर इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर कर्व वेट की बात की जाए तो 180 किलोग्राम तक की इसको आपको जो कर्व वेट है वो आपको देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मतलब रियर सेक्शन के बारे में बताऊं, 130x70 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीछे में आप लोगों को ABS देखने को मिल जाती है और सस्पेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया। सामने में आप लोगों को जो USD फोक है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। 180 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल जो कर्व वेट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, 500 ml पेट्रोल डालेंगे। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर पेट्रोल पंप है, तो 500 ml पेट्रोल डाल के यहाँ पर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रिप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रिप को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जीरो। ट्रिप वन को यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले इसको जीरो कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर जीरो कर लिया। देन ट्रिप टू को भी हम लोग यहाँ पर जीरो कर लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ट्रिप को जीरो कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्टार्ट करके कि गाड़ी जो है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रही। बाकी एक बार आप और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि ओडो में यहाँ पर कितनी है। अभी 22 किलोमीटर ओडो में चली हुई है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर अगेन मैं बता दूँ, वो ट्रिप वन में यहाँ पर जीरो मैंने कर दिया है। ये देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और फिर चलिए आप यहाँ पर 500 ml पेट्रोल डालेंगे, देन देखते हैं कि कितना माइलेज हमको निकाल कर दे रही है। पेट्रोल लेने के लिए खड़े हैं, दादा को हमने कह दिया 500 ml का पेट्रोल लेने के लिए। 500 ml का पेट्रोल दीजिए, 500 ml। और चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने यहाँ पर 500 ml का जो पेट्रोल है उसको डाल लिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रल पे है गाड़ी अभी, ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स इसको हम लोग वही 40-60 के बीच में ही रखने की पूरी कोशिश करेंगे साथ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रिप को मैंने ऑलरेडी जीरो पे यहाँ पर कर रखा था। लेट्स सी कि यहाँ पर कितना माइलेज देती है। 28-30 तक तो अभी एटलीस्ट देनी चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ इससे। बाकी फ्रेंड्स क्या स्मूथ गाड़ी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हैंडलिंग इसकी उतनी ही बेहतर है। हम लोग इसको 40-60 या फिर फॉर द वर्स्ट केस हम लोग कोशिश करेंगे 70 पे जाने का, बिकॉज उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जो सिटी कंडीशन है उस पर चला के बताने के लिए। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, ये जो 500 ml डालने का जो मतलब यहाँ पर तरीका है ना, एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि देखिए मतलब यहाँ पर ये फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है तो पेट्रोल के मतलब पेट्रोल टैंक के अंदर ना बहुत हद तक पेट्रोल रह जाती है, जिसको जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ना वो उसको पंप नहीं कर पाती है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर फुल टैंक अगर आप डलवाते हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पर माइलेज टेस्ट करते हैं ना, तो वो एक एक्यूरेट मेथड निकल कर बिल्कुल आता है। लेकिन ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर 500 ml डाल के टेस्ट कीजिए। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा तरीका मतलब एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा आप लोगों को हो जाना चाहिए कि कितना माइलेज आप लोगों को अभी की जो डोमिनार 250 वो दे सकती है, इसलिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में एक्यूरेट रिजल्ट आपको निकाल के नहीं देगी। आप कह सकते हैं कि 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो वो बिल्कुल आपको निकाल के देगी अगर आप लोग यहाँ पर फुल टैंक अगर आप टेस्ट करते हैं तो। और ये फ्रेंड्स हम लोग अभी इसको 50-60 के बीच में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिटी कंडीशंस की तरह ही चला के बताने के लिए 40-60 के बीच में। वी हैव कंप्लीटेड 2 किलोमीटर्स नाउ, लेट्स सी ये और कितना जा सकती है आगे।
फ्रेंड्स गाड़ी जो है ना क्या स्मूथ है, मतलब हर एक गियर पे आपको हल्की सी वाइब्रेशन मिलती है, लेकिन जब आप हर एक गियर के टॉप स्पीड पर चढ़ते हैं ना तो आपको वाइब्रेशन यहाँ पर उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ओहो हो, कब गाड़ी 70 पे चली जाए ये समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन 70 पे नहीं जाएंगे, 40 से 60 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स अभी जाड़े का मौसम बहुत करीब है, आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में हल्की सी जो ठंडा वाली मौसम है ना वो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम कायरे से आप कह सकते हैं कि जो मतलब सनलाइट है वो बहुत, आप कह सकते हैं कि अराउंड 5-5, 10-15 तक पूरा अंधेरा हो जा रहा है वेस्ट बंगाल में। मैं स्पेशली यहाँ पर कोलकाता की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 6 किलोमीटर, यार आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर यहां पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मतलब 40 से 60 या मैक्सिमम 70 तक खींच के बताने की, उससे ज्यादा मैं यहां पर नहीं खींचूंगा। और यहां पर अभी एक यू टर्न लेना होगा फ्रेंड्स हम लोगों को। Now friends, we have completed almost 8 kilometers here, और गाड़ी क्या ही स्मूथ चल रही है, मतलब अगर आप सही गियर पर हैं और हर गियर के हिसाब से अगर आप सही स्पीड पर चला रहे हैं गाड़ी को तो क्या ही स्मूथनेस है इसकी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और एक्सेलरेशन तो जैसे तुरंत खींचती है, जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हैं, थ्रॉटल जैसे आप खोलते हैं ना गाड़ी में तुरंत खींचती है गाड़ी आपको, ये मुझे बहुत सही लगती है इस गाड़ी की। एंड फ्रेंड्स वी हैव कम्प्लीटेड 10 किलोमीटर्स हियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे तो चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्मूथ हैंडलिंग, बहुत बढ़िया पिकअप, ओवरऑल राइड क्वालिटी भी गाड़ी की बहुत सही है। बाकी फ्रेंड्स अभी गाड़ी हल्का हल्का झटका ले रही है, झटका ले रही है गाड़ी हल्का हल्का, देखते हैं कितना और ज्यादा ये चलती है। और आगे नहीं जा पा रही है फ्रेंड्स, ये गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है। चलो चलो चलो, यस, मतलब अभी ये 12 किलोमीटर इसने अभी ट्रैवल किया, ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स अभी इसने यहाँ पर 11.9 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। एक बार दोबारा हम लोग उसको ऑफ करके ऑन कर लेते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। ओहो अभी भी चल रही है गाड़ी, चलो 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 लेट्स गो, गाड़ी अभी भी चल रही है फ्रेंड्स, देखते हैं ये और कितना आगे जा पाती है। 12 किलोमीटर फ्रेंड्स, गाड़ी बंद होने के बाद भी 12 किलोमीटर जा रही है अभी, ये 12 किलोमीटर इसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है, लेट्स सी ये और कितना ज्यादा आगे जा सकती है। गजब, मतलब आप सोचिए कायदे से अगर देखा जाए तो KTM से डिराइव की गई इंजन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 12.2, अभी देखिए गाड़ी दोबारा बंद हो रही है अभी, एक बार देख लेते हैं कि कितना और ये चल पाती है आगे, एक बार इसको हम लोग न्यूट्रल में कर देते हैं, देन एक बार दोबारा ट्राई लेते हैं। नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है, ये देखिए इसको एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, ये देखिए नहीं ले पा रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहले गाड़ी को साइड में ले लेते हैं, देन मैं आपको इसकी जो कंक्लूशन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और फ्रेंड्स हम लोग घूम फिर कर वही जगह पर आ गए जहाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं एक्चुअली इसी जगह पे घूम रहा था ताकि जैसे ही पेट्रोल खत्म हो पेट्रोल पंप के पास जल्दी से जल्दी आ सकूँ और उसको रिफिल करवा सकूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर 12.2 किलोमीटर या फिर 12.5 या राउंड फिगर पकड़ लीजिए 25 किलोमीटर का माइलेज यहाँ पर आपको ये अभी निकाल कर दे रही है, जब इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, मेरी वेट भी थोड़ी ज़्यादा है और हम लोग अभी सिर्फ 500
मैनुअल पेट्रोल डालकर इसको टेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब आप जस्ट सोचिए, अभी ये 25 किलोमीटर की माइलेज निकाल कर दे रही है, लेकिन जब आप फर्स्ट सर्विस करा लेंगे, अगर आप फुल टैंक अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसमें तो आपको 5 से 7 किलोमीटर या वैसे भी ज़्यादा दे रही है। अब मैं 5 से 7 किलोमीटर फ्रेंड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते तो आप लोगों ने देखा होगा N160 जब लॉन्च हुई थी तब मैंने टेस्ट किया था, तो वो 500 ml पे वो मतलब कितना माइलेज निकाल कर दे रही थी, 33-34 की। जैसे उसको हम लोगों ने फुल टैंक टेस्ट किया तो वो 37-38 चली गई थी, मतलब 4 से 5 किलो मतलब किलोमीटर तक आपको वो ज़्यादा दे रही थी। तो तब भी उसकी सर्विस नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब अगर इसकी सर्विस हो जाएगी और अगर आप इसको मतलब फुल टैंक पे अगर आप टेस्ट करेंगे ना, वैसे फुल टैंक एक एक्यूरेट मतलब रिजल्ट आपको हमेशा देती है, तो फुल टैंक हो जाएगी अगर आपकी 2 से 3 सर्विस अगर हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 32 किलोमीटर तक की तो माइलेज आराम से आपको निकल कर दे सकती है फ्रेंड्स। मतलब मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ऑलरेडी डोमिना 250 के प्राउड ओनर रह चुके हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोगों को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा ताकि हम सबको पता चल सके कि न्यू जब गाड़ी है तो कितना माइलेज मिल रही है, थोड़ी देर अगर इसको चला लेंगे 2-500 किलोमीटर तो कितनी माइलेज यहाँ पर मिलनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स ये एक फेयर मैंने आप लोगों को यहाँ पर माइलेज टेस्ट करके बताया, बिल्कुल बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, माइलेज सही है या नहीं, नीचे बिल्कुल कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, कल एक्चुअली मैं इस बाइक को एक और आप कह सकते हैं कि माइलेज टेस्ट के लिए मैंने उसको उतारा था, लेकिन लो लाइट की वजह से मैंने वो फुटेज आप लोगों को दिखाना सही नहीं समझा। लेकिन कल जो मुझे माइलेज मिली थी ना वो करीबन 28 किलोमीटर की मिली थी। एक छोटा सा फुटेज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए अराउंड ये अब चल चुकी है अराउंड 14 किलोमीटर के करीबन, तो आप उसको अगर 2 से गुना करते हैं तो अराउंड 28 किलोमीटर का माइलेज निकलता है। लेकिन हाँ आज हमारे सामने अभी ये मतलब जो बाइक खड़ी है अभी हम लोगों ने जो माइलेज निकाला है इसमें भी 25 किलोमीटर के निकल रही है, तो हम लोग 25 किलोमीटर पकड़ के ही आगे चलते हैं।